हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला किया कि एक 7 सीटर एमपीवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किया की सेल्टोस जो है वो काफ़ी फेमस हो रही है इंडियन मार्केट के अंदर, और जो किया ब्रांड है वो अपनी सेकंड एमपीवी लेके आ रही है इंडिया के अंदर, जो एक लग्जरी एमपीवी होने वाली है इंडिया के अंदर। अगर हम इसके राइवल के बारे में बात करूँ तो टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा है उसकी राइवल, और प्राइस में भी उसकी इतनी हमें देखने को मिलने वाली है। और जो किया कंपनी है उसने कल ही अपना इसका टीजर टीज किया है, जिसके अंदर से हमें इसकी कुछ हाईलाइट देखने को मिलती है। मतलब जो इसका इंटीरियर है वो हमें किस तरह का देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और फिर जो ये कार है वो इंडिया के अंदर ऑफिशियली ऑटो एक्सपो 2020 पे शोकेस होने वाली है, और उसी के कुछ टाइम बाद हमें इंडियन रोड पे भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर किया कि ये 7 सीटर एमपीवी परचेस करना चाहते हो तो फ्रेंड आप ये वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि जो एमपीवी है उसके अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें इनोवा क्रिस्टा में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में बात करने वाला हूँ किया कार्निवल के इंटीरियर फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड, ये जो एमपीवी है वो हमें ड्यूअल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ देखने को मिलने वाली है। मतलब इसके फ्रंट और जो रियर सीट है उन दोनों के ऊपर हमें सनरूफ देखने को मिलने वाला है, जो अभी तक हमें इंडिया की कोई भी एमपीवी में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, इसके इंटीरियर में हमें वीआईपी सीट के साथ रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर हमें वन टच पावर स्लाइडिंग डोर, और इसके अंदर हमें पावर टेलगेट भी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, हमें बात करने वालों किया कार्निवल के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड, इसके एक्सटीरियर में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएल और आइस क्यूब फॉग लैंप, क्रोम डोर हैंडल्स और एलॉय व्हील्स और इंडिकेटर स्पॉइलर भी हमें इस कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इस एमपीवी के अंदर जो हमें मारुति एक्सेल 6 के अंदर जो कैप्टन सीट देखने को मिलती है, सेम कैप्टन सीट हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ हमें इसके अंदर ड्यूअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर हमें टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आर्मरेस्ट के साथ इंटीग्रेटेड कप होल्डर, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 3 स्पोक, लेदर वेबलेस स्टेयरिंग व्हील और एनालॉग स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और डिजिटल एमआईडी भी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, अभी बात करने वाला किया कार्निवल के इंजन के बारे में। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो हमें 202 bhp का पावर और 441 nm का हमें टॉर्क देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, ये जो इंजन है वो हमें 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर मैं इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये कार हमें इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड 25 लाख एक्सोरूम प्राइस के साथ देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड, फिलहाल तो इस कार के बारे में इतनी डिटेल्स लीकआउट हुई है जो मैंने आपको बताया, और भी इसके बारे में नई कुछ नई डिटेल्स आती है तो मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।